हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज से जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का, जिसमें आप सिलेबस देख लिए होंगे छात्रावास अधीक्षक के। तो यहाँ पे जो सिलेबस में जितना भी कंटेंट दिया होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पे जो है टॉपिक पूरा डिटेल से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ और जो कंप्यूटर अगर बैंकों अगर तैयारी कर रहे होंगे और सिलेबस में जैसे कंप्यूटर के सिलेबस आप पढ़ भी रहे होंगे, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छात्रावास अधीक्षक अभी आपका जो बहुत टाइम है आपका जो है एग्ज़ाम के लिए, आप तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करते रहने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। ठीक जैसे आपका सिलेबस है उसी पैटर्न पे हम चलेंगे, बाहर कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वाइज यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा, उस बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका जो PDF जो है इसमें आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अभी बैंकिंग एग्जाम में सरकारी जो मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब सभी एग्जाम के लिए, मतलब ऑल एग्जाम के लिए जो आपका जो है सेशन चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारे जो नोटिफिकेशन अपडेट जो है आपको मैं टेलीग्राम में दिया अपलोड करते रहता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह, तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कंप्यूटर करीब जो परिचय है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसका जो इसका मतलब है, कंप्यूटर का परिचय हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर जो है आज के दिन में जो है कंप्यूटर इसका आविष्कारक कौन है, किसने इसका आविष्कार है, सभी यहाँ पे जो है हम कवर करेंगे। A to Z क्वेश्चन बनेंगे, सब पूरा कवर किया जाएगा। तो कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना और संक्रिय प्रचालन, ये जो है प्रचालन यहाँ पर करता है। तो ये जो है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना और संक्रिय प्रचालन करता है, जिसे आपका कंप्यूटर बोलते हैं, इसको याद रखना है। और कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ये जो सभी देखेंगे कंप्यूटर की विशेषता या यहाँ पे देखेंगे। तो कंप्यूटर की विशेषता है कि जो यहाँ पे जो है गति है, कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों गणनाओं को जो है संसाधित कर सकता है। और गणना की गति बहुत ही आपका जो है अधिक होती है। शुद्धता देखेंगे तो शुद्धता जो चूँकि कंप्यूटर या आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मानवीय त्रुटियों के होने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है। ये जो है एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पर जो मानवीय त्रुटि के जिसमें कोई जो है गुंजाइश नहीं रहती है, हस्तक्षेप के कोई मतलब ही नहीं होती। और अत्यधिक ये आपका जो है सटीक होते हैं, मतलब जो भी डाटा या आपका जो है करेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तत्परता, कंप्यूटर अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, वे समान गति और सटीकता के साथ यहाँ पे जटिल और लंबी या आपका जो है गणना कर सकते हैं, इसकी विशेषता। इसके बाद देखते हैं चौथा, या आपका जो है बहुमुखी, जो प्रतिभा चपलता बोलते हैं जिसको, कंप्यूटर प्रकृति में बहुमुखी होते हैं, वे समान समय में विभिन्न संक्रियाएं कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज देखेंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा, निर्देश, नोटिफिकेशन को यहाँ पे स्टोर कर सकता है, जो या जिसे किसी भी समय यहाँ पे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में जो है किसी भी समय उसको आपको जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये जो डेटा निर्देश वगैरह यहाँ पे स्टोर करके भी रखता है, तो ये स्टोरेज से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो है कंप्यूटर के इतिहास, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कंप्यूटर के इतिहास देखें तो कंप्यूटर का जो उद्देश्य, यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइस की सहायता से लोगों को संख्यात्मक गणना करने में जो है सक्षम बनाता है। और पहले अबेकस सुने होंगे, तो अबेकस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो अबेकस वो चीज़ है जो पहला काउंटिंग सिस्टम डिवाइस है, याद रखिए काउंटिंग डिवाइस था, जिसे चीन में विकसित किया, कौन से देश के द्वारा इसको जो है निर्माण किया था, तो चीन के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम और मनके होते थे, इस तरह इसको डेवलप किया था। लकड़ी के फ्रेम में क्षैतिज छड़े और मनके होते हैं जो छड़ में गुजरते हैं, और गणकों के मोती अंकों को दर्शाते थे। इस डिवाइस का उपयोग साधारण जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा जोड़ने घटाने के लिए जो है या विकास
अवेका से जो पहला काउंटिंग डिवाइस है जो जोड़ने और घटाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया था, तो चाइना के द्वारा इसको विकसित किया, जो आपका आयताकार लकड़ी का जो है फ्रेम और मनके होते थे, तो इसको याद रख पूरी तरीके से जो फ्रेम लकड़ी के बने होते थे ऐसा करके इसको बनाए थे। जोड़ने नॉर्मल जो है ये साधारण था, जोड़ने और घटाने के लिए इसको उपयोग किया जाता था। इसके बाद देखते हैं नेपियर बोन, आप देख सकते हैं नेपियर जो बोन है यह एक ऐसा डिवाइस था, इनके द्वारा कहना है कि जो यह एक ऐसा डिवाइस था जिसमें हड्डियों से बनी छड़ों का एक सेट होता था, इसे स्काटिंग गणितज्ञ जॉन नेपियर ने विकसित किया गया था। गूढ़ा और भाग करने के लिए इस डिवाइस को विकसित किया गया था और नेपियर ने लघु गणक का भी आविष्कार किया था। और इनका कहना है जो पास्कलाइन ने कहा कि जो है पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसमें पूर्ण संख्याओं पर जोड़ने और घटाने की क्षमता थी। इसे फ्रांसीसी जो गणितज्ञ हैं ब्लेज पास्कल, नाम सुने हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये डिवाइस जो है इंटरलॉक्ड किंग व्हील से बना था जिसकी परिधि 0 से लेकर 9 नंबर थे। यह एक पहिया अपना घूर्णन पूरा करता है और दूसरा पहिया जो है सेगमेंट से चलता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ हो गया, तो ब्लेज पास्कल जो है एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, इन्होंने यहाँ पे इसको जो है विकसित किया गया था। और इसके किस लिए उपयोग किया जाता था, तो ये जो है जोड़ने और घटाने के लिए इसको जो है उपयोग किया जाता। और ये जो यहाँ पे ये जो है 0 और इसमें जो है कितने नंबर होते थे, जो परिधि पर 0 और 9 नंबर इसमें होते थे सकते हैं। तो यहाँ से जो ब्लेज पास्कल हैं जो फ्रांस के जो है गणितज्ञ, इन्होंने यहाँ पे जो है अभिकास का निर्माण किया था। ये जो है आपके जो है गुड़ और भाग जो है नॉर्मल जो गणिती को यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इसको डेवलप किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से जितने भी डाटा बता रहा हूँ यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। चलिए देखते हैं पंच कार्ड सिस्टम क्या होता है। तो पंच कार्ड सिस्टम का जो आविष्कार किसने किया था, अमेरिकी जो सांख्यिकी जो विद हैं हरमन होलरिथ ने किया था। याद रखें पंच कार्ड जो सिस्टम है इसका आविष्कार अमेरिका के रहने वाले जो सांख्यिकी विद जो हरमन होलरिथ ने किया था। इसका उपयोग डेटा को स्टोरेज करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए इसका किया जाता था। अच्छिद्रित क्षेत्रों के रूप में सिस्टम डेटा स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद देखते हैं चार्ल्स बेबेज, इनसे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज इनको सबसे पहले जो है 1792 से 1871 में इन्होंने जो है कैलकुलेटिंग इंजन का सबसे पहले इन्होंने आविष्कार किया था। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए इसको विकसित किया था। कंप्यूटर एक बार में इन्होंने तैयार नहीं किया था, लेकिन इसको पढ़ेंगे। चलिए बाकी बेबेज ने बीजीय व्यंजकों और गणितीय कार्यों को सटीक रूप से हल करने के लिए डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। बाद में उन्होंने अपने पहले कंप्यूटर में कुछ सुधार किए। संशोधित मशीन को एनालिटिक इंजन कहा गया है। इन्होंने 4 बुनियादी अंगणितीय कार्यों के स्टोर के साथ एक मशीन डिजाइन करने का जो है सोचा, जिसको एनालिटिकल इंजन के डिजाइन जो है यहाँ पर जो प्रिंसिपल के इनपुट आउटपुट मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में विभाजित किया जा सकता है। एनालिटिकल इंजन के पुर्जे और वर्किंग प्रिंसिपल आज के कंप्यूटर के समान ही थे, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से जो जितना भी डाटा बताया गया यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चार्ल्स बेबेज कौन थे, कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के जनक भी इनको कहा जाता है। कई बार घुमा के इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसका जो आविष्कार इन्होंने यहाँ पे किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं होलरिथ मशीन क्या होता है। तो होलरिथ मशीन को साधारण बद्ध और पंच कार्ड के साथ शामिल किया गया था। यह मशीन पंच किए गए छिद्रों की गणना कर सकती थी, संख्या को पहचान कर सकती थी और आवश्यक गणना कर सकती थी और जनगणना के डेटा को स्टोर कर सकती थी। इस मशीन का जो आविष्कार हरमन होलरिथ ने किया था, याद रखिएगा हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार इन्होंने यहाँ पे किया था, कैसे इसको उपयोग करना है इस तरह का। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच कार्ड का जो आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है आपको इसके जो आविष्कार इस मशीन का जो आविष्कार जो है हरमन होलरिथ ने किया था। ये बहुत बार जो है डेटा को स्टोर करने के लिए इसको बनाई गई थी, सबसे पहले जनगणना के लिए जो इसको उपयोग किया गया था। तो यहाँ से डेटा जितना भी बताया गया है सभी आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप जो है मॉक टेस्ट लगा के भी आप देख सकते। चलिए देखते हैं अब मार्कर कंप्यूटर।
तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटिंग डिवाइस हार्वर्ड हैथवे एकेन द्वारा विकसित किया गया था, इन्होंने आईबीएम के साथ मार्क वन कंप्यूटर विकसित करने के लिए होल्डरीथ के जो पंच कार्ड और बेबेज के जो स्टेटमेंट का उपयोग किया गया। मार्क थ्री कंप्यूटर में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग किया गया। फिर मार्क फोर कंप्यूटर में इन्होंने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी को उपयोग यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो जो ये मार्क वन जो कंप्यूटर है, जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो इसको याद रखें, इन्हें जो है इनका उपयोग इन्होंने यहाँ पे किया था। इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। पहला अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको एबीसी बोलते हैं, तो एटना जो सॉफ्टबेरी कंप्यूटर जिसको एबीसी बोलते हैं, इसका जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो एबीसी है। याद रखिए एबीसी जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका नाम है एटना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर, इसका नाम है जिसको एबीसी बोलते हैं। इसे जॉन विंसेंट अंटांगसाप और क्लिफोर्ड ई बेरी द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इसे रैखिक बीजी समीकरणों की प्रणालियों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्टोरेज के लिए कैपेसिटर और उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर भी था। तो यहाँ से डेटा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला है और इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर, ये जो है एनिया का फुल फॉर्म है। याद रखें एनिया का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी देखे होंगे, तो एनिया का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो एनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, याद रखें एनिया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए, संख्या संबंधित हल करने के लिए। इसका आविष्कार जेम्स प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली ने किया था। याद रखिएगा जो एनियक जो कंप्यूटर है, जो संख्यात्मक जो है अध्ययन के लिए जो है इसको हल करने के लिए इसको उपयोग किया गया था, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जेम्स प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली ने किया था। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बाकी जो है आप जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आए, या आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा समझ आए। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो है ईडीवेक का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे ईडीवेक या एनियक का उत्तरवर्ती था, जिस कंप्यूटर या इस कंप्यूटर में अंकगणितीय कार्यों के लिए बाइनरी नंबरों का उपयोग किया जाता था और निर्देशों का इंटरनल स्टोरेज भी डिजिटल रूपों में लिखा जाता। तो याद रखिएगा, ये समझ आ गया होगा आपको। तो जो है जो ईडीवेक का ये फुल फॉर्म है, तो ये जो आपका जो है अंकगणितीय कार्यों के लिए जो है बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता था, निर्देशों को इंटरनल स्टोर भी डिजिटल रूपों में इसको लिखा जाता था। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये जो है ईडीसेक का फुल फॉर्म है। तो ईडीसेक पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य के लिए स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह वॉन ल्यूमन के मशीन प्रिंसिपल के अनुसार बनाया गया था। ये जो भी आविष्कारक है कंप्यूटर, वॉन ल्यूमन ने इस मशीन जो प्रिंसिपल के अनुसार इसको बनाया गया था, ये जो खास करके जो है पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य के लिए जो स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसको याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये ईडीसेक का फुल फॉर्म है। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो है यूनिवेक, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो आपका जो यूनिवेक है, ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवेक, जो पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। याद रखिएगा यूनिवेक जो पहला एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, इसे एकट मॉचली कंप्यूटर कंपनी जो है बनाया, इनके द्वारा बनाया गया था। ये जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्म को दर्शाता था। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के मतलब कौन सा है, तो ये जो है यूनिवेक है। तो इसको याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के जन्म को ये दर्शाता है, या आधुनिक कंप्यूटर के मतलब जो है कौन सा है आधुनिक कंप्यूटर, ये जो है यूनिवेक नाम को याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, ये जो है याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004, ये जो है पहला
माइक्रो प्रोसेसर है। वर्ष 1969 में, याद रहे कौन से वर्ष, 1969 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इंटेल 4004 जो है डिजाइन किया गया। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया, इंटेल के द्वारा। यह चार चिप का एक सेट था जिसे MCS4 के रूप में इसको जाना जाता था। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप 4004 के साथ 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 ये कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सपोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी चिप, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, और इनपुट आउटपुट पार्ट के लिए शिफ्ट रजिस्ट्रेशन चिप शामिल किया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर ये कौन सा है, तो याद रखिएगा इंटेल 4000, और इसको कौन से वर्ष इसको जो है लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 1969 में जो इस जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 ये जो है इस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पे क्विक यहाँ पे रिवीजन मारते हैं, कहने पर जितना हम पढ़े हैं थ्योरी उससे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्विक रिवीजन मारेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के जनक, तो आप सभी बताए अभी पढ़े भी हैं कंप्यूटर के जनक कौन है, जो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। इसके बाद देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग, याद रखिएगा। जितना मैं डाटा बता रहा हूँ यहाँ से बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो कंटेंट में ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम पे जो क्वेश्चन पेपर आप लगा के देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये जो है चार्ल्स बैबेज। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज नहीं लेना है, एलन ट्यूरिंग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद देखते हैं पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो ABC है। ABC इसका फुल फॉर्म, यहाँ पे अटना साहब बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ABC। इसके बाद देखते हैं पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये जो कंप्यूटर कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर जिसको हम NEC बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है, ये जो है पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो इंटेल 4004, याद रखिएगा। अभी तो इसका जो है लेटेस्ट मॉडल आ गया, मतलब इसका जो है नया यहाँ पे जो है मॉडल आ गए हैं, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004, याद रखा अभी जस्ट अभी इसके बारे में हम पढ़े हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाए। इसके बाद देखते हैं पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन एक ये जो है ठीक इसी जितना जो यहाँ पर जो है क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ठीक इसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ये जो है चलिए फिर अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कंप्यूटर के जो पीढ़ियों के बारे में देखें, मतलब जो है पहली पीढ़ी कब से कब तक रहे, कैसे कैसे विकास हुआ है, कौन से जो है कंप्यूटर का, तो इस तरह का हम जो है नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको जो है कंप्यूटर के पीढ़ी है जो पहला पीढ़ी कंप्यूटर 1946 से 1959 में जो है ये जो है पहला पीढ़ी के कंप्यूटर आया था, तो इस कल जो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट होगा, ये हमारा पहला पार्ट है। तो आप प्रीवियस ईयर जैसे हम चैप्टर जो है ख़त्म कर लेंगे, लगभग 70 से 72 75 जो है पेज का है, तो इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर आप लगा के देख सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो इसका जो है इसका क्या प्रॉफिट है कि नहीं है आपको जो है समझ आ जाएगा। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको जो है खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट होता है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोई भी पढ़ाने को यहाँ पर मतलब भी नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आज के सेशन यही तक रखते हैं, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो है यहाँ पर जैसे 50 नंबर से जैसे पूछता है तो 25 नंबर लाना उसमें कंपलसरी है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और
जैसे सेशन ख़त्म होता है तो इसका जो मैं PDF शेयर कर दूंगा, तो उसको बढ़िया एक तरह रिवाइज करें। रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद जो है मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पे बता दूँ कैसे कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है फ्री में आपको, तो बढ़िया कल मैं बताऊँगा कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है। तो इसके बाद चलिए मिलते हैं, बाकी आप समझदार हो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, चलिए।